इस समय हम मौजूद है हलावपुल कुरला इलाके में, जहां ऑल कुरला कमेटी के जानिब से की जा रही है लोगों की मदद। ये मदद जो है लगातार चालू है, जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है 2 महीने से लगातार ऑल कुरला कमेटी जो है ये मदद लोगों तक पहुँचाई जा रही है। तो आइए यहाँ के लोगों से भी जानते हैं कि किस प्रकार से ये मदद वो कर रहे हैं लोगों की और किस प्रकार से ये काम चालू है। जानना चाहूँगा ये जो मदद आप कर रहे हैं जी, तो ये कैसे हो रही है, यानी लोगों तक खाना वगैरह कैसे पहुँचाया जा रहा है? हम लोग पहले तो लोगों वहाँ तक जाते हैं, देखते हैं कि किस लायक है कि नहीं है, जो जिस लायक है उस लायक देते हैं। जैसे सेवई है, शक्कर है, दूध है, ड्राई फ्रूट भी है, राशन भी है, जो हमसे हो सक रहा हम पूरा कर रहे हैं। और ये जो मदद जो चल रही है, हाँ, तो इसको कब तक के कंटिन्यू रखने का आपका इरादा है? जब तक जान है इंशाल्लाह तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, और लॉकडाउन देखते हैं कब तक रहता है। सर, सुनने में ये भी आया है ये जो मदद पहुंचाई जा रही है, रिलीफ का जो काम चालू है, ये एक्सप्रेस हाईवे में भी जाके जो लोगों माइग्रेंट वर्कर्स थे उन तक भी ये मदद पहुंचाई गई है, तो क्या ये सही है? जी, हम लोग ने ऑल कुरला कमेटी की जानिब से हाईवे पे पूना एक्सप्रेस अपना एक्शन एक्सप्रेस हाईवे पे जाके हम लोग ने वहाँ पे पानी का इंतज़ाम, बिस्किट का इंतज़ाम माइग्रेंट पीपल को दिया है। और जो मजदूर जा रहे थे, लोग ट्रकों में जा रहे थे, रिक्शाओं में जा रहे थे, कुछ लोग तो बाइक से भी गए यूपी, उन लोग तक हम लोग ने पानी पहुँचाने का काम किया है, उनको खाना का इंतज़ाम करके दिया, उनको बिस्किट का इंतज़ाम करके दिया है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये जो मदद के लिए, जो आपको रिलीफ के लिए जो फंड जमा हो रहा है, वो किस प्रकार से हो रहा है और कैसे कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कुरला में ऑल कुरला कमेटी से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो इसके लिए आगे आके मदद कर रहे हैं। वो अपने नाम के लिए नहीं, वो सिर्फ मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और ऑल कुरला कमेटी को उनसे जो भी हो रहा है वो ताउन कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो हम लोग के जो काम चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन शुरू होने से पहले 20 मार्च से जो है हम लोगों ने रिलीफ बांटने का, किट बांटने का काम चालू किया है, और उसके बाद आज तक हमारी ईट किट भी बट रही है, रमज़ान में फ्रूट हमारे बटे, लगभग 360 फैमिली को डेली हमने फ्रूट बांटे हैं कुरला में, और उसके पहले ये राशन की किट बांटी। तो फंड जो भी हमको आ रहा है लोगों से आ रहा है, कुरला के लोगों से मदद मिल रही है, और कुछ कमेटी के अंदर जो लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं, हम लोग अपने पैसे डाल रहे हैं, इस तरह से काम चल रहा है। और ऑल कुरला कमेटी इसमें बहुत मेहनत कर रहे बच्चे लोग, जो है अनाज जो हम लोग लेके थे सस्ते दाम में, और लोगों को सस्ते दाम में फरोख्त कर रहे हैं, और उसके जो भी पैसे आ रहे, बेनिफिट हो रहा जो, वो हम इस काम में, रिलीफ के काम में लगा रहे हैं। तो सर, ये जो ऑल कुरला कमेटी का जो यानी जो कमेटी जो काम कर रही है, ये किस कौन कौन से इलाकों में हो रही है? सिर्फ ये कुरला में हो रहा है या ऑल ओवर मुंबई में हो रहा है? ये पूरे कुरला के सभी इलाकों में छोटे स्टैंड लगे रहते हैं, और हम लोग जो है कुरला गार्डन और इंदिरा नगर के एरिया हम कवर कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन में ऑल कुरला कमेटी ने काफ़ी मदद की, और काफ़ी लोगों को मतलब रिलीफ बांटी, दूध बांटा, सेवई शक्कर राशन वगैरह सब हमने मदद की, और ये सब चलते आ रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। इंतजाम हो रहे हैं ये लॉकडाउन में इस कड़ी हालत में, जहाँ पे लोगों के सब काम का सब बंद है, वो कैसे हो रहा है ये कमेटी के लिए जो लोगों की इतनी मदद हो रही है? पहले तो ऑल कुरला कमेटी तो शुरू से ही काफ़ी एक्टिव है, ये काफ़ी मतलब इसमें कई लोग जुड़े हैं, हमारे पूरे कुरला के कई नौजवान इसमें जुड़े हैं, बड़े बूढ़े लोग जुड़े हैं, कई लोग इसमें हमारे को इमदाद कर रहे हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए। क्या है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आ रही है, लेकिन ये लोगों की जो मदद हमारे को आ रही है, इसमें इमदाद कर रहे, उसके ज़रिए से हम लोग इतने बड़े लेवल पे काम कर पा रहे हैं। हमने पहले स्टार्ट में जब ये लॉकडाउन हुआ तो कम से कम 600-700 फैमिली को राशन वगैरह दिया, तो उसमें हम लोगों के ना फिर हौसले और बढ़े जब लोगों ने हमारे साथ में जुड़ना स्टार्ट किए, और पूरे कुरला और कई कई जगह से लोग हमारे साथ में जुड़ रहे, इसमें इमदाद कर रहे, इसके लिए अभी तक हम लोग कंटिन्यू इसको कर रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह जब तक ये लॉकडाउन रहेगा इंशाल्लाह हम लोग इसको इसी तरीके से करते रहे। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करे, और हमें जो खिदमत का मौका मिला है और वो खिदमत भी कबूल करे, और आगे भी खिदमत का मौका हमारे को मिलता रहे। जैसे कि हमने यहाँ के कमेटी के लोगों से भी जाना, और जैसे कि हम खुद भी यहाँ देख सकते हैं कि ईद के इस पाक मौके पे, चांद रात के इस मौके पे, किस तरह से यहाँ लोगों की मदद और रिलीफ, दूध बांटने का और उसके साथ में ड्राई फ्रूट्स बांटने का भी काम चालू है। तो इसी के साथ मैं सिद्दीकी जैद अहमद, सर्विलियंस, मुंबई।